सो हेलो स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, मैं आज एक और इम्पोर्टेंट प्रोग्राम लेके आया हूँ जो कि है फिबोनाची की सीरीज। ये एक स्पेशल टाइप का सीक्वेंस होता है जिसमें हम एडिशन ऑफ नंबर करते हैं। जो भी हम नंबर लिखते हैं ना, मतलब वो वैल्यू ऐड करके ऑब्टेन होती है। और आपने इसके बारे में शायद क्लास 11th में सीक्वेंस सीरीज में भी पढ़ा होगा मैथ्स में। देखो जैसे आपको मैं बताता हूँ, अब ये नंबर ना हमेशा जीरो से स्टार्ट होते हैं, जीरो और फिर वन, ये यहीं से स्टार्ट होता है। अब देखो जीरो प्लस वन क्या होता है, वन, वन प्लस वन टू, टू प्लस वन थ्री, थ्री प्लस टू फाइव, फाइव प्लस थ्री एट, ऐसे कैसे करके ना ये एडिशन होता रहता है इनका। जैसे मैं कहता हूँ जीरो प्लस वन क्या आया, वन आ गया, वन आ गया ना। अब मैं करूंगा वन प्लस वन तो टू आ गया, वन प्लस वन करूंगा तो टू आ गया। देखो मैंने वन प्लस वन करा तो टू आ गया, ठीक है, ऐसे ही चलता रहता है ये। मैं ना पहले कोड लिख लेता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। चलिए ये हमारा कोड हो गया, अभी मैं आपको समझाना स्टार्ट करता हूँ। तो चलिए समझा दूँ। देखो हमने स्टार्टिंग किया, अगर हमने यूजर से वैल्यू इनपुट कराई एन इक्वल टू, ये वैल्यू मैंने इनपुट कराई, जैसे हम मान लो कि एन की वैल्यू इसमें इसलिए इनपुट कराई ताकि फिबोनाची की सीरीज हम कहाँ तक प्रिंट करें, मतलब हमें मतलब कहाँ तक फिबोनाची सीरीज को प्रिंट करना है, ये हम एन की वैल्यू डिसाइड करती है, ठीक है। उसके बाद आपको मैंने बताया था कि फिबोनाची सीरीज जीरो और वन से स्टार्ट होती है, मैंने एस की जीरो रख ली, के को वन रख दिया, ठीक है, मैंने प्रिंट एस कॉमा के कर दिया। उसके बाद मैंने फॉर लूप चलाया। अरे पहले आपको डिफरेंस बताया था फॉर लूप और वाइल लूप में। फॉर लूप हम इसलिए यूज करते हैं जब हमें पता हो कि हमें वैल्यू को कहाँ तक लेके जाना है, मतलब हमें इटरेट कब तक करना है, कहाँ तक करना है। और वाइल हम जब यूज करते हैं जब हमें पता नहीं है कि मतलब हमें इटरेट कहाँ तक, मतलब कहाँ तक करना है, हमें एंड पॉइंट नहीं पता। पर फॉर लूप में हमें एंड पॉइंट पता है। देखो जैसे यहाँ पे हमें बताया कि हमें एन तक ले जाना है, तो हमने एन प्लस वन लिख दिया। उसके बाद मैंने क्या करा, आपको मैंने बताया जीरो और वन, तो जीरो प्लस वन वन होता है, तो मैंने यहाँ पे एस प्लस के कर दिया, यहाँ पे एस प्लस के कर दिया ना, और टी में स्टोर कर दिया। उसके बाद मैंने प्रिंट टी कर दिया। उसके बाद मैंने क्या करा, जो मैंने जीरो और वन है ना उसकी चेंज कर दी पोजीशन, एस को मैंने के मान लिया और के को टी। तो यही है बस फिबोनाची की सीरीज निकालने का फॉर्मेट। बाकी अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करिएगा, थैंक यू। एक बार हम ना इसका रिजल्ट भी देख लेते हैं, फिर मैं वीडियो को एंड करता हूँ, ठीक है। आपको मैं रिजल्ट दिखा दूँ एक बार, ये हमने डन करा प्रोग्राम को। अब चलो मैं करता हूँ, क्या लिखूँ वैल्यू, टेन लो आ गई सीरीज हमारी। ठीक है देखो जैसे अभी हमने क्या करा, टेन डाले ना, तो टेन तक गई, तो देखो जीरो प्लस जीरो प्लस वन वन हो गया, यहाँ पे जीरो प्लस वन वन आ गया, वन प्लस टू क्या आ गया थ्री,
और यहाँ पे टू कैसा आया, 1 + 1 तो 2 आ गया, 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 5 13, 13 + 8 कितना हुआ 21, 21 + 13 कितना हुआ 34, 34 + 21 35, 35 + 34 89, ठीक है ऐसे आ गया ये। मान लो अगर कोई बड़ा नंबर पुट करते हैं होगी ना तो सारे नंबर प्रिंट, अभी भी हो ही रहा है। ठीक है चलो थैंक यू।